दोस्तों सैमसंग के जी फ्लिप 5 के बाद चलिए आज बातें करते हैं उनके फोल्ड स्मार्टफोन के बारे में। मींस हाँ दोस्तों, मैं बातें कर रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी जी फोल्ड 5 के बारे में, और ये उनका फिफ्थ जनरेशन का फोल्ड स्मार्टफोन है। और हाँ, ये भी कुछ बड़े बड़े अपग्रेड के साथ आता है। बट उससे पहले, अगर आपने हमारा वो फ्लिप फोन वाला वीडियो नहीं देखा तो आपको आई बटन में देखने को मिल जाएगा, जहां पर आप सिंपली चेकआउट भी कर सकते हो। और इस स्मार्टफोन में आपको क्या क्या अपग्रेड देखने को मिल जाएंगे वो मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ, तो ये वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखना। सो हेलो दोस्तों, नमस्कार, इट्स मी योर फ्रेंड कमलेश एंड यू आर वॉचिंग टेक मी मोर। सैमसंग, अरे वाह, क्या मस्त नाम है। बातें करते हैं स्मार्टफोन के बारे में, बट उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हमें भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। और अगर आपको हमारा वीडियो पूरा एंड तक देखने में पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर लेना। अब बातें कर लेते हैं इसके बॉक्स कंटेंट्स के बारे में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि एक सैमसंग का स्मार्टफोन है तो आपको इसमें दुबला पतला बॉक्स देखने को मिल जाएगा। मींस अगर इसके बॉक्स कंटेंट्स के बारे में बात करें तो आपको इसमें इसका दी मेन फोल्ड स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा, कुछ डॉक्यूमेंटेशंस देखने को मिल जाएंगे, USB टाइप C2C केबल देखने को मिल जाएगा, और इसका छोटू सा सिम इंजेक्टर टूल देखने को मिल जाएगा। डिज़ाइन में आपको इतना बड़ा चेंज देखने को नहीं मिलेगा, मीन्स आपको वही टिपिकल सैमसंग लुकिंग डिज़ाइन देखने को मिल जाएगा। बट हाँ, ये प्रीवियस जनरेशन से और भी ज़्यादा प्रीमियम हो गया है, एंड आपको इसमें इवन बोथ साइड गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स 2 का प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाएगा। और अगर इसके पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में बात करें तो आपको इसमें हर पोर्ट्स एंड बटन्स भी देखने को मिल जाएंगे। और हाँ, इस स्मार्टफोन में आपको आर्मर एल्यूमिनियम फ्रेम्स भी देखने को मिल जाएंगे, और इसका जो वेट आता है वो अप्रॉक्स 256 ग्राम्स के करीब आता है। डिस्प्ले, चलिए बातें करते हैं इससे सबसे प्यारे या सबसे एक्साइटिंग चीज के बारे में, मींस इसके डिस्प्ले के बारे में। और आपको इसमें जो इनर डिस्प्ले मिलता है, इवन इसमें आपको जो कवर डिस्प्ले मिलता है वो सही में इंप्रूव हो चुका है। मींस अगर इसके कवर डिस्प्ले के बारे में बात करें तो आपको इसमें 6.2 इंचेस का एक HD+ एक डायनामिक एमोलेड 2X 120Hz का डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, जो बेसिकली एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। एंड आपको इसमें जो स्मूथनेस मिलने वाला है वो सही में बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हो चुका है। और अगर इसके इनर डिस्प्ले के बारे में बात करें तो आपको इसमें बड़ा डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, मींस आपको इसमें 7.6 इंचेस का एक QXGA+ एक डायनामिक एमोलेड 120Hz का डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको 1700 निट्स का पीक ब्राइटनेस भी देखने को मिल जाएगा। और अगर आप पूछो ये QXGA+ डिस्प्ले क्या है, तो मैं आपको बता दूं, ये नॉर्मली FHD+ डिस्प्ले, जो बेसिकली अप्रॉक्स आपको 2K टाइप का रेजोल्यूशन देखने को मिल जाएगा। बट फिर भी इसका जो डिस्प्ले क्वालिटी है, मीन्स सैमसंग का डायनामिक एमोलेड डिस्प्ले, तो ऑब्वियसली मतलब फुल ऑन ग्रेट होने ही वाला है। और आपको इसमें जो कंटेंट क्वालिटी मिलने वाला है, इसमें आपको जो कलर एक्यूरेसी मिलने वाला है, उस समय आपको फुल ऑन फ्लैट बनाने वाला है। स्पेसिफिकेशंस, स्पेक्स के टाइम में भी इसमें आपको बड़ा अपग्रेड देखने को मिल जाएगा, मीन्स आपको इसमें स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 या 4 NM का पावरफुल प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। और अगर इसके रैम और स्टोरेज वेरिएंट के बारे में बात करें तो इसका जो बेस वेरिएंट आता है वो बेसिकली आता है 12 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ, और आपको इसमें 12512 एंड 12 1TB वाला वेरिएंट भी देखने को मिल जाएगा। और आपको इसमें LPDDR5 रैम टाइप देखने को मिल जाएगा, और UFS 4.0 स्टोरेज टाइप भी देखने को मिल जाएगा। एंड फॉर दिस, इसमें आपको जो गेमिंग एक्सपीरियंस मिलने वाला है उससे हमें फुल ऑन स्मूथ मिलने वाला है। और अगर आप इसके इनर डिस्प्ले में खेलते हो तो आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसमें बड़ा डिस्प्ले देखने मिल जाएगा, और आपको उसमें जो गेम प्ले स्मूथनेस मिलने वाला है उस समय आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है। और आप इसमें कोई भी गेम एट हाईएस्ट टू हाईएस्ट सेटिंग इजीली खेल सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम आने वाला नहीं है, मीन्स आप फुल ऑन गेमर बनने वाले हो। और ये सब तो हो गया सारा अच्छा अच्छा चीज़ इस स्मार्टफोन के बारे में। अब बातें करते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में, और हाँ, प्राइसिंग में भी बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट है। मीन्स इसका जो बेस वेरिएंट आता है उसका जो प्राइस आता है वो आपको अप्रॉक्स 1,55,000 के करीब देखने को मिल जाएगा, और इसका जो टॉप वेरियंट है मीन्स जो 1 TB वाला, उसका प्राइस आपको अप्रॉक्स 1,85,000 देखने को मिल जाएगा। मीन्स प्राइस में भी बहुत बड़ा अपग्रेड है, और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप खरीद सकते हो, क्योंकि इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, जहां से आप सिंपली चेकआउट भी कर सकते हो। कैमरास के बारे में कोई कंप्लेंट नहीं है, क्योंकि सैमसंग का स्मार्टफोन है तो उसका कैमरा सेटअप ऑब्वियसली फ्लैगशिप होने ही वाला है। मीन्स आपको इसके रियर में ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, जो मेन कैमरा है वो बेसिकली आता है 50 MP का, जो बेसिकली OIS के साथ आता है। आपको इसमें 12 MP का एक अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिल जाएगा, और आपको इसमें 10 MP का एक टेलीफोटो सेंसर देखने को मिल जाएगा, जो बेसिकली OIS के साथ आता है, और ये आपको 3x ऑप्टिकल जूम देता है। एंड अगर इसके फ्रंट कैमरा के बारे में बात करें, बट फ्रंट कैमरा कौन कौन सा, मीन्स
मीन्स आपको इसमें दो दो फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाएंगे। कवर डिस्प्ले का जो फ्रंट कैमरा है वो आपको 10 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाएगा और इनसाइड डिस्प्ले का जो फ्रंट कैमरा है वो बेसिकली एक अंडर डिस्प्ले कैमरा है, वो आपको 4 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाएगा। एंड इसका जो कैमरा क्वालिटी है, जैसे कि सैमसंग का फ्लैगशिप स्मार्टफोन है, तो इसका जो कैमरा क्वालिटी है वो सेम है, फुल ऑन ग्रेट है। ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी एंड बहुत ही ज्यादा अमेजिंग फोटो जरूर क्लिक करता है। बैटरी, चलिए बातें करते हैं इसके बैटरी बैकअप के बारे में। और आपको इसमें 4400 mAh का बैटरी कैपेसिटी देखने को मिल जाएगा, जो बेसिकली वही 25 वॉट फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। बट हाँ, आपको इसमें 15 वॉट वायरलेस चार्जिंग भी देखने को मिल जाएगा एंड 4.5 वॉट रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी देखने को मिल जाएगा। कनेक्टिविटी, जैसे कि एक 5G स्मार्टफोन है तो आपको इसमें 5G देखने को मिल जाएगा, जो ऑलमोस्ट एवरी बैंड सपोर्टिंग के साथ आता है। आपको इसमें डुअल 4G वोल्टेज देखने को मिल जाएगा, वाईफाई 6E देखने को मिल जाएगा, ब्लूटूथ वर्जन 5.3 देखने को मिल जाएगा एंड आपको इसमें NFC भी देखने को मिल जाएगा। और अगर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में बात करें तो ये जो स्मार्टफोन है ये बेसिकली बेस्ड है MIUI 5.1.1 के ऊपर, जो बेसिकली बेस्ड है Android 13 के ऊपर। और आपको इसमें भी एज यूजुअल 4 ईयर के मेजर OS अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे एंड 5 ईयर्स के सिक्योरिटी अपडेट्स। मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस, उसके बारे में आपको क्या ही बताऊं। मीन्स आपको इसमें जो कंटेंट क्वालिटी मिलने वाला है या वीडियो क्वालिटी मिलने वाला है, आपको जो वीडियो एक्सपीरियंस मिलने वाला है वो सही में फुल ऑन ग्रेट मिलने वाला है। मीन्स आप इसमें कोई भी मूवीज कुछ भी देख लो, आप फुल ऑन एंजॉय करने वाले हो। और अगर इसकी ऑडियो क्वालिटी के बारे में बात करें तो आपको इसमें स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिल जाएंगे, जिनका क्वालिटी बहुत ही ज्यादा ग्रेट है और उसका लाउडनेस भी बहुत ज्यादा है। कंक्लूजन टाइम, नाउ दोस्तों इट्स टाइम फॉर माय ओपिनियन अबाउट दिस अमेजिंग फोल्ड स्मार्टफोन बाय सैमसंग, मीन्स सैमसंग गैलेक्सी जी फोल्ड 5। मेरे हिसाब से जो स्मार्टफोन है वो सही में क्या ही बोलूं, बहुत ही ज्यादा क्रेजी स्पेक्स के साथ आता है। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसमें अमेजिंग हाई क्वालिटी डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, एक पावरफुल प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, एक फ्लैक्सिप लेवल का कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। मीन्स सब चीज फ्लैक्सिप है क्योंकि ये फ्लैक्सिप स्मार्टफोन ही है। और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप चेकआउट कर सकते हो। एंड आज का वीडियो बस यही तक, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये स्मार्टफोन एक्चुअली में कैसा लगा। बट टुडेज वीडियो इज एंडिंग अप हियर, अगले वीडियो आने तक डू दैट मेक्स यू ऑसम एंड टेक केयर।